नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट अबोहर से आ रही है। कोरोना ने अबोहर में अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव केसों के बने के साथ इससे संक्रमित व्यक्तियों की मौत का आंकड़ा अबोहर में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अबोहर में अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 हो चुका है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को कोरोना से बचाव के लिए निर्देश दिए गए। हम जैसे जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकलें, मास्क का प्रयोग करें, अपने हाथों को बार बार धोएं व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि लोग इन निर्देशों का पालन करें तो कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। स्वास्थ्य कर्मचारी भरत सिंह ने जानकारी देते बताया कि स्थानीय बालाजी कॉलोनी निवासी LIC एजेंट के 5 सितंबर के कोरोना टेस्ट के सैंपल लिए गए थे। इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और प्रशासन द्वारा इन्हें होम क्वारंटाइन किया गया था। कल उनका निधन हो गया। परिजनों द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि उनका निधन हृदयघात से हुआ है। उनके निधन के बाद उनके परिजनों ने सूचना स्वास्थ्य विभाग व नरसेवा नारायण सेवा के सदस्यों को दी। सूचना मिलते ही SMO डॉक्टर गगनदीप के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम टहल सिंह, भरत सेठी, जगदीश कुमार व नरसेवा नारायण सेवा के राजू चराया, बिट्टू नरुला व उनकी टीम द्वारा पूरी सावधानी के साथ शव का अंतिम संस्कार करवाया। SMO डॉक्टर गगनदीप सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैली जा रही अफवाहों के कारण कुछ लोग तो इसे बीमारी ही नहीं मानते और सरकारी व स्वास्थ्य विभाग के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यदि अब भी लोगों ने बचाव निर्देशों का पालन नहीं किया तो परिणाम और भी भयंकर हो सकते हैं। इस बीमारी से निजात के लिए अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, इसलिए सरकारी निर्देशों का पालन करें और अपने आप को तथा अपने परिजनों को इस बीमारी से बचाएं। अबोहर से आरबी लाइव मीडिया के लिए अनिकेत भारद्वाज के साथ दीपक मेहता की रिपोर्ट। कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश सोनी अबोहर बालाजी कॉलोनी अबोहर से रहना। मेरे फादर साहब ने सैटरडे में ट्रीटमेंट खंग कारण ट्रीटमेंट करवाया सीगा सिविल हॉस्पिटल। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव दसिया ते कल शामी 7 बजे उन्होंने अचानक हार्ट के कारण डैथ हो गई। फिर असी नरसेवा नारायण सेवा ते प्रशासन के बंदे सूचित किया, उन्होंने आके साड़ी सहायता की। फादर साहब के दस संस्कार पूरा सहयोग किया। बालाजी कलोनी के निवासी जी 60 साल इन्हों की उम्र सी। 5 तरीक ना एंटीजन टेस्ट होया सी। इन्हों हल्की फुल्की दिक्कत सी जिन्हों करके इन्हों होम आइसोलेट के रखा हुआ सी। सिविल हॉस्पिटल की टीम टाइम टू टाइम इन्हों कॉन्टैक्ट सी। इन्हों की तबीयत ठीक सी पर अचानक रात इन्हों खांसी वगैरह कुछ ज़्यादा हुई जिस कारण अचानक ही इन्हों की डैथ हो गई। तो अज इन्हां दे प्रशासन डॉक्टर गगनदीप SMO साहब अबोहर नरसेवा नारायण सेवा ते साडे ब्रांच वालों दे सहयोग नाल अज इन्हां दा संस्कार कराया गया। जी अबोहर दे विच 10वीं डैथ हुई है जयप्रकाश जी की। तो ये जिहड़ा दिनों दिन है जिहड़ी स्थिति है वो जिहड़ी गंभीर होंदी जा रही है। मैं तुहाडे माध्यम के राही लोगों को जरूर अपील करनी चाहवागा कि इनू जी कोरोना हल्के ना लिया जाए। वो तो वह आपकी टैसटिंग कराई जाए। जे किसी को कोई दिक्कत हैगी तो फॉरनली आपकी जाँच करवा जाए। अर्ली जी जाँच के नाल यह होंगे भी टाइम ना बीमारी जो कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये मतलब कि दिन ब दिन हो रही है जो इन्हें ना डैथ रेट आर तेजी ना बढ़ रहा। तो मैं सारे अपील कराँगा भी वो अपना सैनीटाइजर मास्क का उपयोग कर, सोशल डिस्टेंस बिना काम तो इधर उधर ना घूम, तो जरा अपना तो अपने फैमिली का बचाव रखा। सहयोग कर रहे हैं इन नरसेवा नारायण सेवा का जोड़ा बहुत व्डा सू सहयोग रहा, हमेशा ही उन्होंने बहुत वधिया सहयोग रहा। जिमें कि परिवार को मोटीवेट करना हो जो क्रमीशन है उनके जी इन की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है क्योंकि बड़ा डर वाला माहौल जोड़ा होया हो इस करके हमेशा नर सेवा नारायण सेवा सिविल प्रशासन से सिविल हॉस्पिटल के स्टाफ वालों ज्वाइंट टीम बना के एक जी क्रमेशन की जाती है। तो फैमिली ने जोड़ा मोटिवेट किया भी वो खुद क्रमेशन कर जोड़े अंतिम रस्म उन्होंने जरा निभा जो सावधानियाँ।